हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.1 विच आर गिवन हियर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्यूब एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, उसे सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में उसको हमें सेट करना है। ठीक है, तो इसके पहले ही हम चाहते हैं कि इसको हम पहले, इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट चैप्टर में बताया था कॉन्सेप्ट में कि इसको हम कैसे क्या करते हैं कि पैटर्न बनाते हैं, कैसे पैटर्न बना हुआ है। फर्स्ट वाला पैटर्न देखोगे, रुकिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, इंटरेस्टिंग पैटर्न इन्वॉल्विंग क्यूब इन नंबर्स। ठीक है, एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यही वाला हमें पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, तो इस पैटर्न को अगर हमें फॉलो करना है, देख लीजिए पहले कि वन के क्यूब में कितना नंबर यूज किया गया है, केवल वन यूज किया गया है, और वो भी कौन सा ऑड नंबर है, ये किस नंबर पर पड़ता है, ये फर्स्ट नंबर पर पड़ता है। ठीक है, अब टू के लिए देखिए, टू के लिए क्या है, टू के लिए है जो फर्स्ट नंबर यूज कर लिया गया है वन के लिए, तो उसको हमें क्या कर देना है, छोड़ देना। हमें शुरू कहाँ से करना है, थ्री से यूज करना है, और कितने आठ नंबर यूज करना है, जो हमारा नंबर है। ठीक है, टू, तो कितने आठ नंबर यूज करना है, तो टू, तो टू और प्लस हो जाएगा, टू के बाद कौन सा नंबर पड़ता है, फाइव। तो याद रखना कि वन के लिए वन यूज कर चुके हूँ मैं, और टू के लिए टू आठ नंबर यूज कर चुका हूँ, मतलब कि टोटल थ्री आठ नंबर मैं ऐड कर चुका हूँ। अब अगला जो आठ नंबर शुरू होगा वह फोर्थ वाला नंबर शुरू होगा, तो देखिए ये फोर थ्री का जगह मैं क्यूब करूँगा, तो जो फोर्थ नंबर है उसको मैं शुरू करूँगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर जो आड नंबर है उसको शुरू करूँगा, और कितने आड नंबर लिखूँगा, थ्री आड नंबर लिखूँगा, क्योंकि मैं जो थ्री आड नंबर यूज करना है। तो अब तक कितने आड नंबर यूज हो चुके हैं, तो वन के लिए वन, टू के लिए टू, थ्री के लिए थ्री, टोटल सिक्स आड नंबर यूज हो चुके हैं, तो सेवेंथ आड नंबर कौन सा है। ठीक है, तो सेवेंथ आठ नंबर हमारा होता है 13। ठीक है, तो फिर हम 13 से यूज करेंगे, 13 से यूज करेंगे तो फोर आठ नंबर यूज करेंगे। अब हमें फाइव के लिए कितना यूज, कौन सा नंबर यूज करना है आठ नंबर, तो देखिए फोर में फोर, थ्री टू और वन, टोटल चार तीन सात दो नौ ग्यारह दस, कुल टोटल 10 यूज हो चुका है, तो 11 नंबर वाले आठ नंबर यूज करेंगे, और कितने यूज करेंगे, 5। तो ऐसे ही हमारा एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम आपको दे दें कि बताइए 7 का क्यूब करिए, तो क्या आप सबको लिखोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, है ना। तो यही बहुत ध्यान देने वाली बात है, यही पूरा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ये वन है, इसका मतलब है कि अगर ये 7 का अगर हमें क्यूब करना है, तो इसका मतलब है कि जो 6 तक जो नंबर आया था वहाँ तक ने सभी नंबर ने तो ऐड कर लिया होगा अपना अपना क्यूब। जैसे वन के लिए वन, वन ने वन आठ नंबर यूज कर लिया, टू ने टू आठ नंबर यूज कर लिया, थ्री ने थ्री आठ नंबर यूज कर लिया, फोर ने फोर आठ नंबर यूज कर लिया, फाइव ने फाइव ऐड कर लिया, और सिक्स ने सिक्स ऐड कर लिया। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करो, ये हो जाएगा थ्री, थ्री सिक्स हो जाएगा, छः चार दस हो जाएगा, दस और ये ग्यारह लग गया, हाँ तो दस ग्यारह इक्कीस नंबर यूज हो चुका है ना, छः पाँच ग्यारह। ठीक है, तो 21 आड नंबर यूज किया जा चुका है। तो अब 21 आड नंबर यूज किया जा चुका है, अगर तो 22 वाले नंबर पर कौन सा आड पड़ता है उसको हमें क्या करना है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे यूज करें या फिर हम डायरेक्ट कर दें कि कितने हो सकते हैं, तो एक फार्मूला पढ़े हो कि अगर सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें निकालना हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि जैसे 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स ऐसे करके 10 तक हो, 1 प्लस टू प्लस टू, अगर मैं कहूं कि डॉट डॉट ये 10 तक है, बताइए इसका सम क्या होगा, तो क्या करोगे, ऐड करोगे ना। तो ऐड नहीं करना है, एक फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन और अपान करके टू, यही फार्मूला होता है ना। मतलब एक जहाँ तक यूज करना है, ऐड करना है वो, और प्लस एक बढ़ा कर मल्टीप्लाई करना है और उसको हाफ कर लेना है, तो यही काम करना है। तो हमें 10 तक ऐड करना था, तो हमें 10 और मल्टीप्लाई बाई 11 बाई 2 कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा कुल मिला के 11 5 जा 55, तो टोटल चाहे ऐड करके देख लो 55 ही आना है, है ना। तो इसका मतलब है कि 55 आठ नंबर यूज हो चुके हैं 10 तक, है ना, ये बातें आएगी। अब अगर न समझ में आए तो वीडियो को रिवाइज कर करके उसको हम भी देख लेना, है ना। चलिए अब देखता हूँ, अब अगर हमें 7 तक चाहिए, है ना, तो 7 तक अगर हमको चाहिए, तो 7 तक हमें देखना है कि 7 का क्यूब हमको स्टार्ट करना है, तो कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो 7 तक मतलब कि 6 तक आठ नंबर यूज हो चुका है, एक 6 ने 6 आठ नंबर यूज कर लिया, पहले जैसे 1 से ही शुरू कर दूँ, तो जैसे 1
वन ने वन यूज किया, टू ने टू यूज किया, थ्री ने थ्री यूज किया, फोर ने फोर यूज किया, ऐसे सिक्स ने सिक्स यूज किया होगा, है ना। तो हमें सिक्स एंड आठ नंबर्स में टोटल कितने आठ नंबर यूज हो चुके हैं, तो हमें टोटल जो आठ नंबर यूज हो चुके हैं तो वो सिक्स इंटू सेवन अपॉन टू, तो ये हो जाएगा थ्री, मतलब कि 21 आठ नंबर यूज हो चुके हैं। अच्छा बताइए कि अगर 21 आठ नंबर यूज हो चुके हैं तो 21 के बीच में इवेंट भी तो आया होगा, है ना। तो 21 अगर आड आया होगा तो 21 इवन भी आया होगा, है ना। तो 21 आड और 21 इवन जब क्रॉस कर जाएगा तो 21 और 21 टोटल मिला के कितना हो जाएगा। जैसे कि हम 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, 7 लिखें और 8 लिखें, है ना। तो ये जो 7 नंबर तक आड नंबर अगर हो चुका हो तो ये 1 लिखिए, 1 2 3 और यहाँ पर फोर, फोर आठ नंबर यूज हो चुका है। तो बीच बीच में देखो ये फोर इवन नंबर भी तो यूज हो चुका है ना। तो अगर फोर ये आठ नंबर तो फोर इवन मिला करके कुल एट नंबर तक यूज हो चुका है। वैसे ही हमारा कितना आया था, 21 आठ नंबर आया था। तो 21 आठ और प्लस 21 इवन, कुल मिलाकर के 42 तक यूज हो चुका है। ये नंबर 42 ख़त्म हो चुका है, 42 नहीं लिखना है, है ना। तो अब हमें स्टार्ट करना है 43 से, 43 प्लस 45 प्लस 47, हमें कितने आठ नंबर यूज करना है, टोटल 7, क्योंकि हमें 7 का क्यूब निकालना था। बात क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं कि 9 का निकालिए, अब 9 का क्या करोगे, तो 9 का क्यूब निकालने से पहले कहोगे कि 8 तक जो क्यूब सम हुआ होगा उसमें 8 आठ नंबर तक जितने भी नंबर थे उसका यूज हो चुका है। तो कितने आठ नंबर यूज हो चुके हैं, तो 8 इंटू 9 और अपन 2, मतलब कि ये आएगा 4 चौक 9 चौक 36, 36 आठ नंबर यूज हो चुका है। तो 36 आठ प्लस 36 इवन भी हो चुका है यूज, तो कुल मिला करके 72 तक हो चुका है। इसका मतलब है कि हमें 73 से स्टार्ट करना है। और कितने आठ नंबर लिखना है, 73, फिर इसके बाद हो जाएगा 75, ऐसे ऐसे करके हमको कुल मिला करके 9 आठ नंबर हमको क्या लिखना है, लिखना है ना, कितने नंबर, 9 नंबर, ठीक, 9 आठ नंबर। अब ऐसे अगर करके 10 की यूज किया है, 10 का क्यूब अगर हमें कहा जाए तो हम करेंगे कि 9 आठ नंबर तक तो हमने यूज कर चुके हैं। 9 में 9 आठ नंबर, 8 में 8 आठ नंबर, 7 में 7 आठ नंबर, 6 में 6 आठ नंबर, एंड सो ऑन, टोटल कितने आठ नंबर यूज हो चुके हैं, तो 9 तक, 9 इंटू 10 और अपॉन 2, ये कटा तो आ गया 5, मतलब कि 45 आठ नंबर यूज हो चुके हैं और 45 इवन भी यूज हो चुके हैं। कुल मिलाकर के 90 तक हो चुका है और हमारा जो शुरुआत करना है वो 91 से शुरुआत करना है, 91, 93 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 10 आठ नंबर यूज करते हैं, ये हमारा होगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें अगला देखना है कि अगला वाला क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की क्या करें, परीक्षित मेक्स क्यूबॉइड अब प्लास्टिक, प्लास्टिक साइन आप साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये यूज करता है, ये क्या बनता है, क्यूब बनाता है ना, क्यूबाइड बनाता है। अब ये क्यूबाइड की साइड है तो क्यूब कहाँ लग पाओगे। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूँ, है ना, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 2 × 5, कुल मिलाकर के 50 सेंटीमीटर का क्यूब, ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम, है ना। इतने वॉल्यूम का हमारा बनेगा क्यूबॉइड, लेकिन ये क्यूब तो है नहीं ना, क्यूब का मतलब होता है जितनी लेंथ जितनी ब्रेथ उतनी ही हाइट होनी चाहिए, है ना। तो ये 50 से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगला हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक मिनट, वी इज इक्वल टू एल बी एच, तो एल बी एच से मैंने निकाला तो हमारा 50 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो अब देखते हैं क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है ना। तो हम इसका क्या कर देते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। अगर फैक्टर इसका करेंगे तो हमारा आएगा वही नंबर आएगा, 2 × 5 × 5। तो लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि विच बाई विच नंबर भी मल्टीप्लाई टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। तो इसमें 2 कितने कम पड़ रहे हैं, 2 क्यूब कम पड़ रहे हैं, है ना। एक यहाँ तो है ही, तो हमारा 2 क्यूब और आ जाता तो हो जाता, मतलब 2 और आ जाता तो कंप्लीट हो जाता। और 5 कितना चाहिए हमको, 1 5 चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला करके 4 4 5 20, ठीक है। 20 क्यूब, 20 अगर 20 क्यूब वायर अगर इसमें ऐड हो जाता तो
तो क्या हो जाता है, ये पूरा परफेक्ट क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।